और कलाकार हैं उनका विरोध क्यों होगा? देश के कलाकार हैं, पूछता है भारत, थूकता है भारत, इस तरह का चैनल चलता है भाई। और जो अनंत सुखों का भोग ले रहा है वो संत कहाँ हो सकता है? प्रज्ञा ठाकुर से अपराध से ही जुड़ के आई थी। ये लोग तो गोडसे के पुजारी हैं, गोडसे को देशभक्त बताएंगे। आने की कोशिश की गई जब हमारी बात आप जैसे सोशल मीडिया पर आप उठा रहे हैं, लेकिन अगर यही बात अगर नेशनल मीडिया के लोग उठाते, अगर जनता की विचार को जानते, युवाओं के रोजगार की बात राहुल जी करते आए, किसानों की बात करते आ रहे हैं, 700 किसानों के शहादत के बाद आज तक भी MSP लागू नहीं होता, उस पर चर्चा नहीं होती है। सर चर्चा हो लेकिन सारे लोग तो वोट फिर मोदी को दे देते, वो मोदी को वोट नहीं देते हैं। सुनिए, मोदी को नहीं देते हैं। देखिए 140 करोड़ का जनता, 80 करोड़ राशन फ्री चल रहा है। कांग्रेस अगर फ्री राशन बांटती रहती IIM IIT और चाहे जितना संस्था बना जहां ऑक्सीजन बना है कोरोना काल का, वो नहीं बनता। वो राहुल गांधी जी ने कितनी रैलियां करी किसानों के लिए और क्या रिजल्ट आया? आम आदमी पार्टी को वोट दिया। देखिए मैं आपको बताया ना कि जैसे भाजपा 80,000 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, हमारे देश का दुर्दशा है कि 2014 के बाद 80 करोड़ लोग भिखारी बन गए, वही कहता मैं फ्री में राशन दिया, तो यानी देश का जनता फ्री में भिखारी बन गया। देखिए पठान का ना वो पिक्चर है और कलाकार हैं, उनका विरोध क्यों होगा? देश के कलाकार हैं। चैनल का जो मालिक है सूरज चौड़ का कह रहा मूवी चलने नहीं दूंगा। वो तो एक बराबर कभी बंदूक लेके दिखेगा, कभी इस तरह से दिखेगा, वो चैनल नहीं है, वो डराने का काम, जैसे एक आपको पूछता है भारत, थूकता है भारत, इस तरह का चैनल चलता है भाई। अब देश का दुर्भाग्य कि ऐसे चैनलधारी लोग, ये भारत, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, RSS का प्रोपगंडा चला रहे हैं। अगर ये धर्म जाति को तोड़ने की राजनीति, जो हमारा विषाद, जो कांग्रेस ने त्याग तपस्या बलिदानी का पार्टी से प्रारूप 138 साल हम अभी अभी मनाना शुरू किए हैं, हम 138 साल की ये पुरानी पार्टी हमेशा देश के लिए सोची है। अगर हम देश के लिए नहीं सोचते, भारत जोड़ो यात्रा तो चली नहीं लेकिन टी शर्ट चल गई सर पूरी दुनिया में। भारत देश यात्रा नहीं चली कन्याकुमारी से, आप नहीं चर्चाओं में नहीं आई, लेकिन टी शर्ट आप लोग चर्चा कर रहे हो ना, अगर चर्चा नहीं होता तो आप करते क्यों? टी शर्ट चर्चाओं में, देखिए टी शर्ट चर्चा में इसलिए है कि वो तपस्या दिख रहा है। जब राहुल गांधी जी बोले कि तपस्या, ये तपस्या का बल है आपका प्यार, जगत देश का जनता उनको कवच बनकर एक ताकत देगा तो तपस्या उभर के बाहर आएगा। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री हैं पाठक जी, उन्होंने एक डॉक्टरों की टीम बैठा दी है रिसर्च के लिए। पाठक जी डिप्टी CM भी है, तो ये देखिए ना, उनको बिना विचार बिना विचारे सो करे फिर पाछे पछताए, बिगड़े पे गधा बने लात लात मर गए। अरे वो ऐसे 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 उप मुख्यमंत्री हैं जिनको यही नहीं मालूम है कि अगर किसी के विषय में हम रिसर्च करते हैं तो उनका ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा, उनका कुछ तो लेना पड़ेगा जिससे रिसर्च हमारा हो पाएगा। उनके शरीर का तापमान आपको मालूम है नहीं है, और तो दूर से दूर का ढोल सुहान दिखा रहे हैं कि डॉक्टरों को बोला है, डॉक्टर का सपना देखेंगे राहुल जी का और बता देंगे कि इतना डिग्री उनके में तापमान चल रहा है, राहुल गांधी के अंदर तपोबल की ताकत आ गई है, इतना उनके अंदर टी शर्ट पहन के पूरे देश को माप रहे हैं कन्या इस ठंड में, 1 डिग्री 2 डिग्री के ठंड में राहुल गांधी जी टी शर्ट, विपक्ष नहीं जुड़ पाया। ये आपकी ताकत, हमारी ताकत, आम जन, गरीब और मजदूरों की ताकत राहुल जी के अंदर आ गई है, और उस ताकत आपने नहीं किया सर, आपने भगवा पहने हुआ है। नहीं, चाकू तेज तो सुनिए, चाकू तेज तो वो करते हैं जिनको डर रहता है, जिनको हिंदू बनने में डर है, जो हिंदूवादी अपने को बनते हैं कि हम हिंदू हैं, जो सनातन को मानते हैं, जैसे सनातन को हम भी मानते हैं, लेकिन जो संत और भगवा का जो वस्त्र धारण करता है, संत का मतलब है अनंत सुखों को त्याग कर, और जो अनंत सुखों का भोग ले रहा है वो संत कहाँ हो सकता है? प्रज्ञा ठाकुर से अपराध से ही जुड़ के आई थी, और उसका सोच साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, जो अपराध से सोच के आया था उसके अंदर में विचार भी अपराध का होगा। चाकू धार बना लो, तलवार का धार बना दो, इस देश में कभी हुआ ना वो तुम बात करते हो। देशभक्त बताया था उन्होंने? नहीं, तो देखिए ये लोग तो गोडसे के पुजारी हैं, गोडसे को देशभक्त बताएंगे, क्योंकि गांधी पहला राम भक्त थे जो मरने के आखिरी दम तक हे राम कह के मरे थे और अपना जीवन का त्याग किए थे,
और वो गांधी के विचारों को दबाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, वही तो राहुल जी कह रहे हैं डरो मत। जो शिव जी ने अपने हाथ से वो तपोबल का ताकत दिखा, अभय मुद्रा, जो हमारा डरो मत, यानी सदियों से जो चला आ रहा है प्रताप, वो ताकत जो अपने गुरु नानक, नहीं नहीं शिव जी से ताकत पूरा विश्व को मिल रहा है, ब्रह्मांड को मिल रहा है, पूरे जीवन को। साइंस तो नहीं मानता इस बात को, साइंस नहीं मानता तो हम मानते हैं, आप मानते हैं कि नहीं? आप नहीं मानते हैं, लेकिन तमाम लोग मानते हैं शिव जी अविनाशी, शंकर जो जीव में बसा हुआ है। साथ भी मानती है कि सनातन धर्म का अपमान हो रहा भगवान नहीं कपड़ा से, आप देखिए वो लोग तो कपड़े से, मोदी जी बोले थे आपको, मतलब आप मानो तो ठीक, वो मानो नहीं। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, कपड़ा का राजनीति कांग्रेस नहीं की है। आप कपड़ा देख के कहते हो, जात पहचानते हो। मोदी जी बोले थे, प्रधानमंत्री जी जब झारखंड चुनाव था तो मैंने बोले कि मैं कपड़ा देखकर लोगों का जात पहचान जाता हूँ। तो इतना ज्ञानी महापुरुष तो भाजपा में ही मिलते हैं जो कपड़े से ज्ञान प्राप्त करते हैं, कपड़े से लोगों का जात। बीजेपी ने नेताओं ने कहा था कि इनकी दाढ़ी ऐसी होगी सद्दाम हुसैन जैसी, राहुल साहब की। देखिए वो कोई और नहीं, मनोज तिवारी बोला था। जो देखिए वो लोग कई, देखिए उन लोगों का धारा एक है, खुद बच्चा पैदा करेंगे कहेंगे कि मैं उस पर वो लगा रहा हूँ, पार्लियामेंट में ला रहा हूँ बिल। हाँ तीन बेटी, हाँ तीन तीन बेटी पैदा कर दिया मनोज तिवारी बेटा के चाह में, और खुद कहता है कि मैं वो बिल ला रहा हूँ कांग्रेस के चक्कर। हाँ तो रवि, तो वही मैं उसी पर आ रहा हूँ, ते थूक के चाटने वाला रवि किशन तो पहले भी बोलता था मेरे दादाजी परदादा कांग्रेस का हमारे अंदर रक्त संचार हो रहा है। तो अब उनके कथनी और करनी में अंतर है। वो सामाजिक विषदाओं को अलग अलग जिस तरह से बांटने की राजनीति कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का एक निचोड़ आप शब्द जानिए कि जात धर्म कुल गोत्र में भी बांटने की राजनीति। प्रियंका गांधी है वो यूपी की बेटियों को बचाती है लेकिन अंजलि को नहीं बचा रही है जो दिल्ली में घटना हुई है सर। देखिए अंजलि को तो, अंजलि को बचाना क्या, अंजलि बेचारी तो चली गई, लेकिन उसके साथ न्याय मिलना तो पूरा। देखिए प्रियंका नहीं जा रही है सर, अब देखिए सुनिए, अरे लड़ देखिए न्यायपालिका अपना अभी काम नहीं कर रहा था, दिल्ली तो पुलिस सारे लोग, हम लोग ने अपना आवाज उठाए। दिल्ली पुलिस जिस तरह से उस समय आंख बंद करके 31 तारीख को जिस तरह से उस बेटी को एक कार के नीचे दरिंदों की तरफ 12 किलोमीटर तक रगड़ के उसके शरीर का पूरा मांस हट जाता है, बस उसका वो स्ट्रक्चर बच जाता है, तो बहुत दुर्भाग्य है। भारत दिल्ली पुलिस जिस तरह से अपना दावा पेश करती है, दिल्ली पुलिस का करिश्मा भी रहा है, लेकिन इसमें तो फेल्योर हो गई। सरकार ने निर्भया के भाई को पायलट बना दिया, उनको जो है न्याय दिलवाया परिवार को, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आ रही है कांग्रेस? देखिए यहाँ पर कांग्रेस ने, वहाँ तो आप व्यक्ति विशेष की बात हो रहा नहीं है, वो तो जात के आधार पर मिलता है न्याय देश में। कौन सा जात, कौन सा जात का, हमारे जात का निर्भया के माँ बाप है वो तो सर, मोमबत्ती गैंग, आजकल मोमबत्ती गैंग तो काम कर रहा है, वहाँ भी न्याय के लिए परिवार वाले थाने के बाहर बैठे हैं, आंदोलन परिवार वाले थाने के अंदर बैठे हैं। जिस तरह से वो हत्या हुआ है, तमाम लोग मान कर रहे हैं कि देखिए क्या है न्याय, और सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता है। जब पुलिस उस धारा में ये लोग 302 कह रहे हैं, तमाम जनता भी मांग रहा, नहीं लगा है, नहीं लगा है, लेकिन उन पे धारा नहीं बन पा रहा है, लेकिन बनाना पड़ेगा, क्योंकि उन लोग जान, वो लोग कबूल किया है कि मैं जानबूझकर, यानी हम लोग जान रहे थे कि उसके नीचे लड़की फंसी हुई है। तो अब पुलिस का काम है उस पे धारा लगाना, नेताओं का काम नहीं है कि उस पे राजनीति करना। अच्छा, अंजलि के परिवार को सहायता करिए शाहरुख खान ने, कांग्रेस इतना तो कर सकती थी, सहायता कर सकती थी। देखिए 10 लाख रुपया दिल्ली सरकार भी दी है। हाँ। और यहाँ पर हमारा सरकार नहीं है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है दलितों पर, वहाँ पर आपकी सरकार है। देखिए दलितों पर अपराध, दलितों पर तो पूरे देश में कहिए तो हर जात पे अपराध हो रहा है, तो कहाँ खाली आप राजस्थान पे चले जाते। अच्छा, एक बात बताइए, भारत जोड़ो यात्रा तमाम जगह पे कर रहे थे राहुल जी, लेकिन जैसे यूपी में गए तो वहाँ टीका लगाना पड़ा, तपस्वी बनना पड़ा उन्हें। देखिए तपस्वी तो आपको तो देखिए, टीका लगाना पड़ा क्यों, वहाँ के लोगों को लुभावने के लिए? राहुल जी आज ही टीका लगाते हैं? नहीं, वहाँ पे ही उन्होंने लगाया, वहीं लगाए। हाँ। आप मध्य प्रदेश के मंदिर में नहीं देखी, वहाँ पर इंदौर में, वहाँ ज्यादा बात कर रहे हैं भगवानों की, बात कर रहे हैं ब्राह्मणों की, बात जहाँ देखिए, जहाँ जो संस्कार है,
जहाँ जिस भूमि में जहाँ गए उस भूमि का जहाँ महत्व तो है उसको बताने का काम राहुल गांधी जी ने कहा। कुरुक्षेत्र में गए तो महाभारत को उठाए कि हम कौरवों का टीम नहीं है, पांडव हैं, हम देश के पांची रहेंगे मजबूती से, हम पांडव हैं, मजबूती से आगे बढ़ेंगे। तो ये राहुल गांधी जी का सोच देश को जोड़ने की है, देश को मजबूत। आप टीका की राजनीति पर मत जाइए राहुल जी के साथ। राहुल जी टीका वहाँ लगाने यानी धर्म को बांटने का काम भाजपा को टीका दे चुके हैं। हम लोग धर्म और जाति को बांटने का वो आधार है, लेकिन हमारा काम जो है देश की एकता और अखंडता भाईचारे को मजबूत करना। धर्म जाति और कपड़े के आधार पर राजनीति नहीं की जाती है। राजनीति राहुल गांधी जी ने त्याग तपस्या 3570 किलोमीटर की यात्रा में दिखा दिया कि त्याग तपस्या और यानी फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। ये गांधी के पोते हैं, इंदिरा जी के पोते और राजीव जी के बेटे हैं, जिन्होंने त्याग तपस्या बलिदानी के ऊपर एक स्केच मारकर आगे बढ़ने का जो ताकत दिखाया है, इससे लोकतंत्र में मजबूती मिली है, युवाओं को रोजगार के लिए गारंटी है और लोगों को विकास की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, किसान मजदूर की बात कर रहे हैं। यहाँ ढोंग और कपड़े की राजनीति नहीं, यहाँ विकास की बात और लोगों को जोड़ने की बात होती है। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने राहुल गांधी जी निकले।